मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को उधम सिंह नगर के रुद्रपुर स्थित जनता इंटर कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उत्तरांचल प्रांत के 23वें प्रांत अधिवेशन में प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम ने अधिवेशन में आए सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए कहा कि परिषद में काम करने के दिनों में वो भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में विद्यार्थियों के बीच काम किया करते थे। उन्होंने कहा है कि एबीवीपी एक ऐसा संगठन है जो कि व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का कार्य करता है। उसका सही प्रकार से जो समाज में जाकर आगे राष्ट्र जीवन में जाकर विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाकर एक विद्यार्थी को एक शिक्षार्थी को किस प्रकार का उसके अंदर अनुशासन होना चाहिए, किस प्रकार के संस्कार होने चाहिए, उसको सही तरीके से सिखाने का काम, उनके अंदर एक भाव लाने का काम विद्यार्थी परिषद करती है, विद्यार्थी परिषद संगठन करता है। आज दुनिया का छात्रों के बीच में चलने वाला सबसे बड़ा संगठन है और आज यहाँ पर प्रांतीय जो अधिवेशन हुआ है उसका प्रारंभ हुआ है। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अभी छात्र संघ के चुनाव भी संपन्न हुए हैं, उनके लिए भी मैं विद्यार्थी परिषद के समस्त छात्र छात्राओं को सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने पक्ष में फैसला आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा है कि यह न्याय की जीत हुई है और उनके खिलाफ षड्यंत्र करने वालों के मुंह पर भी करारा तमाचा है। आपको बता दें कि पत्रकार और विधायक उमेश कुमार के द्वारा पूर्व सीएम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, जिसकी जांच हाईकोर्ट ने सीबीआई से कराने के आदेश दिए थे, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। आज सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय किया है जो एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीशों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करना चाहूँगा तमाम अधिवक्ताओं का जिन्होंने इस केस में मेरी ओर से पैरवी की है। सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है, एक तरह से उन्होंने उत्तराखंड हाईकोर्ट को फटकार लगाई है कि ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है और एक सिरे से जो पैरा 8 है उसको खारिज कर दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट का एक बार फिर बहुत धन्यवाद करता हूं। बुधवार को हल्द्वानी में समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश से सांसद और विधायक वनभूलपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की। वहीं पत्रकार वार्ता करते हुए मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन ने कहा कि प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की नजर पूरे प्रकरण पर है। उन्होंने कहा कि अगर रेलवे इसे अपनी भूमि बता रहा है तो यहां लोगों को पहले बसने ही क्यों दिया गया। यहाँ पे देखने जा रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में हमने इंसानों को रोते हुए कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। सिसकियाँ सुनी है हमने बुजुर्गों की, हम जिंदगी भर याद रखेंगे। हम आपसे ये जरूर कहेंगे कि जिंदगी गुजर जाती है एक घर बनाने में, तुम बस्तियाँ उजाड़ते हो और उसमें तुम्हें शर्म नहीं आती। तो इस तरह से बस्तियों को ना उजाड़ा जाए, कानूनी तौर से भी एडवर्स पसेसी का कानून है, 12 साल तक जो जहाँ पे रहता आया है उसकी वो ज़मीन मानी जाती है, रेगुलराइज किया जा सकता है इस कॉलोनी को। यहाँ पे स्कूल हैं, यहाँ पे मंदिर हैं, यहाँ पे मस्जिदें हैं, यहाँ दरगाह है, 150-200 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। कुछ तो इंसानियत सब में होनी चाहिए। सरकार में बैठे लोग भी तो इंसान हैं। हमें उम्मीद है कि वो इनकी तकलीफों को समझेंगे और इसका कोई ना कोई रास्ता निकालें। हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ पैरवी में लापरवाही हुई है जो ये हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरी इंसाफ की उम्मीद है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी अपने वकील खड़े करे, 3 वकील वहाँ पे खड़े किए गए और लोगों ने भी खड़े करे। सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगा और इंसानियत के साथ इंसाफ हटाता है तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट ये जरूर कहेगा कि इनको कहीं दूसरी जगह बसाया जाए, इनको नौकरी दी जाए। उत्तराखंड के अंदर मैंने खुद देखा है कि जब आप जंगल से गुजरों को बाहर निकाल के ले आए, आपने जमीनें दी, आपने उनके मकान बना के दिए, उनको नौकरी दी, तो इन लोग क्या ये लोग गरीब हैं तो इनको साथ ऐसा नहीं होगा? क्या इंसान नहीं है ये लोग?
नरेंद्रनगर खेल के मैदान में आयोजित 3 दिवसीय टिहरी कप महिला ओपन राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हो गया। पहली बार आयोजित इस ओपन महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में प्रदेश भर के 13 जनपदों से 14 टीमों ने हिस्सा लिया था। उत्तरकाशी जिले से पहुंची 2 टीमों ने फाइनल मुकाबला खेला, जिसमें उत्तरकाशी हॉस्टल टीम ने जनपद उत्तरकाशी की टीम को 3-0 से हराते हुए ट्रॉफी अपने नाम कर दी। वहीं समापन के मौके पर उत्तराखंड खेल निदेशक जितेंद्र कुमार सोनकर, नरेंद्र नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र विक्रम सिंह पवार और जिला क्रीड़ा अधिकारी संजीव कुमार पौरी के द्वारा विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ 31,000 रूपए, उपविजेता टीम को ट्रॉफी के साथ 21,000 रूपए वितरित किए गए। खेल और खिलाड़ियों दोनों की अपार संभावनाएं हैं। आप इसी चीज से समझ सकते हैं कि टिहरी जैसी जगह में भी, जहां हमारा पहाड़ी जगह है और यहां इतना स्पेस नहीं है, फिर भी मैं इन लोगों की बहुत तारीफ करता हूं कि एक ऐसा मैदान है हमारे पास यहां, जहां पर फुटबॉल जैसी प्रतियोगिता हो रही है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते कि पहाड़ी क्षेत्र में इस तरह की प्रतियोगिताएँ भी हो सकती हैं। और इस प्रतियोगिता का उद्देश्य इसी चीज़ से आप समझ सकते हैं कि बड़ा है कि ये राज्य में पहली बार प्रथम टिहरी कप उत्तराखंड राज्य स्तरीय ओपन महिला फुटबॉल का जो उद्घाटन किया गया था 2 तारीख को, और आज 4 तारीख को फाइनल के साथ समापन है। महिलाओं को, हमारी बालिकाओं को, हमारी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, फुटबॉल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, बाकी अन्य खेलों में भी आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास। ये आयोजन माननीय अध्यक्ष नगर पालिका श्री राजेंद्र विक्रम सिंह पवार जी और हमारे SDM साहब श्री देवेंद्र नेगी साहब और हमारे माननीय मंत्री जी श्री सुबोध उनियाल जी के आशीर्वाद से और मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। और इसमें हमारे जो टिहरी गढ़वाल के जिलाधिकारी महोदय हैं, मुख्य विकास अधिकारी महोदय हैं, उनका मार्गदर्शन रहा है, तो सबके समन्वय से ये भव्य आयोजन किया गया। इस प्रकार का जो आयोजन है, इस बार हम फाइनल जीते हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है फाइनल जीत के। अगली बार भी हम पूरी ऐसी मेहनत करेंगे और दोबारा फाइनल जाने की कोशिश करेंगे और ऐसी खेल करेंगे ताकि हम नेशनल में भी उत्तराखंड का नाम रोशन करें। और खेल से बहुत ज़्यादा आगे का स्कोप भी है, जैसे क्रिकेट कर सकते हैं कोचिंग लाइन में, और जैसे हम खेलते हैं वैसे और भी सिखाएंगे क्रिकेट करके कोचिंग लाइन में जाकर। टिहरी जनपद के नरेंद्र नगर GIC ग्राउंड में विगत 2 जनवरी से लेकर 4 जनवरी तक आज यहाँ पर प्रथम टिहरी कप उत्तराखंड राज्य स्तरीय ओपन महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और यह आयोजन में प्रदेश भर की 14 टीमों ने प्रतिभाग किया है। और आज यहाँ पर जो फाइनल देखने को मिला है वो उत्तरकाशी जनपद की टीम और उत्तरकाशी छात्रावास की टीम के बीच यहाँ पर खेलने को जबरदस्त फाइनल देखने को मिला है। दोनों टीमें ने काफी संघर्ष किया है, लेकिन छात्रावास टीम 3-0 से वो अपने जनपद की टीम को उन्होंने हराया है और प्रथम ये टिहरी कप उन्होंने कब्जाया है। यहाँ पर जो टूर्नामेंट देखने को मिला कि इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया है और अच्छा गेम यहाँ पर देखने को मिला है। और समस्त बालिकाओं का कहना था कि खेल के माध्यम से हम अपने कैरियर बनाएंगे और अपने देश प्रदेश का, अपने जिले का नाम रोशन करेंगे। मैं राजेंद्र गुसाई, संवाद 365, नरेंद्र नगर।